रायसेन भोपाल समेत प्रदेश के 13 जिलों में बारिश हुई। सुबह भी कोहरा रहा और हल्की बूंदाबांदी हुई। अरब सागर में चक्रवात से ट्रफ लाइन राजस्थान से पंजाब तक सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अगले 24 घंटे मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, उसके बाद ठंड तेज हो जाएगी। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में भोपाल, रायसेन, सीहोर सहित प्रदेश के 13 जिले बारिश से भीग गए। इस कारण से दिन में ठंडक और कोहरा बढ़ गया। सोमवार को सिर्फ भोपाल में ही कोहरा था, लेकिन मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोहरा दिखाई दिया। खासतौर पर भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो और उज्जैन में इसका काफी असर रहा। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि अरब सागर में बने चक्रवात के कारण ट्रफ लाइन और राजस्थान से पंजाब तक सक्रिय हो गई है। इसके कारण से एक बार फिर नमी आने से मध्य प्रदेश के मौसम पर इसका असर पड़ रहा है। शाह ने बताया कि बादल छाने के कारण रात के तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह सामान्य से करीब 9 डिग्री अधिक चल रहा है, जबकि दिन के तापमान में कहीं कहीं कमी देखी गई है। टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा 6 mm पानी गिरा। बारिश और कोहरे के कारण दिन के तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा यह भोपाल में सामान्य से 8.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 19.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। गुना में 7.3 डिग्री की गिरावट रही, जबकि इंदौर, रायसेन, शाजापुर, उज्जैन, खजुराहो, सागर और टीकमगढ़ में सामान्य से 3 से लेकर 6 डिग्री तक दिन का पारा नीचे आ गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।